किसान की हत्या में संलिप्त दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ आलक अथवा कपड़े बरामद। आपको बताते चले, ताजा मामला यूपी के सीतापुर शहर कोतवाली क्षेत्र के शादीपुर गांव का है, जहां पर बीते दिनों घर से घास लेने गए किसान की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसी क्रम में सीतापुर पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के निर्देश अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र में हत्या के मामले में केस दर्ज करके चार टीमें लगाई गई थी, जिसका सफल अनावरण पुलिस द्वारा 36 घंटे के अंदर कर दिया गया। इसमें संलिप्त अभियुक्त राकेश जायसवाल व कमलेश गिरफ्तार किए गए हैं और उनको जेल भेज दिया गया है। आपको बताते चले, किसान की हत्या का कारण अवैध संबंध बताया जा रहा है। धारदार हथियार से काट करके गला रेत करके हत्या कर दी गई थी। इस घटना के पश्चात सभी संबंधित लोगों के अतिरिक्त स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी घटना स्थल निरीक्षण करके मौके पर ही इसके सफल अनावरण हेतु चार टीमें थानाध्यक्ष महिला थाना के सहित बनाई गई थी और उन सभी टीमों द्वारा संयुक्त रूप से कार्य किया गया। उसी गाँव के ही दो व्यक्ति ऐसे हैं, एक राकेश जायसवाल एक कमलेश जायसवाल। ये दोनों व्यक्ति इस रूप में निकल कर गया है कि जो मृतक की बहू है वह इनके संपर्क में आई है।